हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शिव सागर एंड वी आर डूइंग द फर्स्ट लेसन ऑफ 12th क्लास बुक फ्लेमिंगो. नेम ऑफ द लेसन इज द लास्ट लेसन. दिस इज आवर सेकंड पार्ट. पुअर मैन, बेचारा आदमी. इट वाज इन ऑनर ऑफ द दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स. संडे क्लोथ्स मतलब जो क्रिश्चियंस लोग होते हैं वो संडे को एक फेस्टिवल की तरह कपड़े पहनते हैं. वो तो अब जो है फ्रेंड्स है वो कहते हैं कि अच्छा, तो आज इनका लास्ट लेसन है इसलिए इन्होंने आज संडे क्लोथ्स पहन रखे हैं, इतने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं. एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मेरी समझ में आया व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम. वो कहता है कि अच्छा ये बात है, तो अब उसको समझ में आया कि लोग पीछे क्यों बैठे हैं, जो बूढ़े लोग हैं वो पीछे वाले बेंचों पे क्यों बैठे हैं. इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, इसलिए था क्योंकि वो सॉरी फील कर रहे थे टू दैट दे हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर, कि वो स्कूल नहीं जा पाएंगे. देयर वॉज इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर for his 40 years of faithful services and of showing their respect for the country that was there no more. और ये जो था, क्यों आए थे वो, कि इनका एक तरीका था अपने, जो उसके मास्टर ने यानी जो एम हेमल है उसने कितने 40 साल वहां पे फेथफुल रूप से सर्विस दी है यानी वहां पढ़ाया है, और उसको रिस्पेक्ट करने के लिए फॉर द कंट्री, उस देश की तरफ से जो देश अब उनका नहीं रहा था, यानी अब वहां पे जर्मन का हो गया था ना, अब जर्मन पढ़ाई जाएगी वहां पे, जर्मन कैंडर में आ गया था वो, तब इनका देश नहीं रहा था, तो इसलिए उसका धन्यवाद करने आए थे. वाइल जब आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, मैं ये सब सोच रहा था, आई हियर्ड माई नेम कार्ड, और मेरे को मेरा नाम सुनाई दिया. इट वॉज माई टर्न, अब मेरी बारी थी टू रिसाइट. रिसाइट मतलब वो जो पार्टिसिपल है उसको कहने की, बताने की. What would I not have given? मैं क्या नहीं दे देता to be able to say that dreadful rule for participle. All through. ये जो participle का rule है ये सुनाने के लिए अगर मेरे को ये चीज समझ में आ जाए तो इसके लिए मैं पता नहीं जो कुछ मेरे पास था मैं वो सब कुछ दे सकता था. Very loud and clear, बहुत तेज और साफ. यानी अगर मैं ये रूल जो है ये मेरे को याद होता और मैं बहुत तेज को बोल पाता तो इसके लिए मैं पता नहीं क्या देने को तैयार था. यानी सब कुछ दे सकता था एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बगैर मिस्टेक. अगर मैं ये सब जो पार्टिसिपल है अगर मैं बगैर रुके क्लियरली अगर बोल पाता तो इसके लिए मैं सब कुछ देने को तैयार था. बट आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर. लेकिन मेरे साथ क्या हो, पार्टिसिपल आते ही नहीं थे मेरे को. अब मैं जो बिल्कुल पहला वर्ड था उसके अंदर फंस के खड़ा हो गया. होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़े हुए. माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल धड़क रहा था. एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरे में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि क्या मैं ऊपर देख सकूं. आई हियर्ड एम हेमल से टू मी, मैंने सुना एम हेमल ने कहा. आई वुडंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, लिटिल फ्रेंड्स मैं तुम्हें स्कोल्ड नहीं करूंगा, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा. You must feel bad enough. तुम पहले ही बहुत बुरा फील कर रहे हो. See, देखो how it is. देखो ये कैसे. Every day, हर रोज we have said to ourselves, हमने अपने आप से कहा था, पा I have plenty of time. कि हमारे पास क्या है, बहुत ज्यादा टाइम है. I will और I shall आने tomorrow, मैं इसे क्या करूंगा, कल याद कर लूंगा. यानी जब भी मैं आपको काम देता आपको हमेशा ये लगता था कि मैं इसको कल कर लूंगा, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है. एंड नाउ, और अब यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब देखो हम कहां आ गए. ओह दैट्स अ ग्रेट ट्रबल विद एलएसए, एलएसए के साथ बहुत बड़ी समस्या है. सी पुट्स ऑफ लर्निंग टुमारो, वो लर्निंग टुमारो यानी जो भी चीजें हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो क्या कर रहे थे, लर्निंग टुमारो के ऊपर चीजों को डाल रहे थे. नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, और अब ये जो कहने का अधिकार है कि हम कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, ये अधिकार भी उनसे छिन गया है. हाउ इट इज, ये कैसा है. यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, तुम जो है फ्रेंच मैन होने का प्रिटेंड करते, तुम एक्टिंग करते हो जैसे तुम फ्रेंच हो. एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर
ऑन लैंग्वेज, वैसे तो कहने के लिए तुम क्या हो, फ्रेंचमैन हो, लेकिन अब क्या हो गया है, नेदर यू स्पीक नॉर राइट योर ऑन लैंग्वेज, ना तो अब तुम अपनी भाषा को बोल सकते हो और ना ही अपनी भाषा लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द रोस्ट, लेकिन तुम सबसे बेकार नहीं हो, पुअर लिटिल फ्रेंच, पुअर फ्रेंच। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विद, हम सभी के साथ यही समस्या है। योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्शियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे जो माँ बाप है ना, वो भी इस बात के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं थे कि तुम कुछ सीखो। दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स, वो प्रेफर करते थे, वो महत्व देते थे किस चीज को, कि तुम्हें काम पे भेज दें किसी खेत में या फिर मिल में, सो एज टू हैव ए लिटिल मनी, और ताकि वो क्या कर सके, थोड़ा सा पैसा। मतलब तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे माँ बाप भी तो ऐसे ही थे, वो भी क्या करते थे, तुम्हें फार्म पे भेज देते थे, तुम्हें मील में भेज देते थे काम करने के लिए, और तुम्हारा होमवर्क वो छुड़वा देते थे। एंड आई और मैं आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मतलब मैं भी जिम्मेवार हूँ इस बात के लिए। अब इस जो है मैं वाले वो खुद को बताते हैं, मैं भी जिम्मेवार हूँ। Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lesson? क्या मैंने तुम्हें लेसन याद करने की वजह मैंने तुम्हें नहीं भेज दिया कि जाओ मेरे फूलों में पानी दे आओ? And when I wanted to go fishing, और जब मैं फिशिंग पे जाना चाहता था, मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था, did I not just give you a holiday? क्या मैंने उस दिन तुम्हारी छुट्टी नहीं कर दी थी? Then for one thing to another, एक के बाद दूसरी चीजें, MML went on to talk of the French language. फिर जो MML है वो एक के बाद दूसरी बात फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताते चले गए। Saying that, कहते हुए, it was the most, ये कि जो फ्रेंच है वो एक ब्यूटीफुल लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड, इस संसार की सबसे सुंदर जो भाषा है, ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, वो क्या है, फ्रेंच है। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट, इट सबसे सुंदर, सबसे क्लियर और सबसे लॉजिकल है, दैट की वी मस्ट गार्ड इट, कि हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए, अमंग अस, हमारे अंदर, यानी अपने अंदर इसको सुरक्षित रखना चाहिए, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज वेन ए पीपल आर इंसलेव्ड, जब कोई व्यक्ति गुलाम होता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक वो अपनी लैंग्वेज को अपनी मुट्ठी में रखते हैं, इट इज एज इफ, ये ऐसा ही है, दे हैड द की टू देयर प्रिजन, कि उनके पास उनकी जेल की चाबी है। यानी अगर कोई गुलाम होता है और जब तक वो अपनी मातृभाषा को नहीं छोड़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे उनके पास क्या है, चाबी है यहां से निकलने की, इस जेल से निकलने, गुलामी से निकलने की चाबी उनके पास है। देन ही ओपनड ए ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, फिर उन्होंने क्या किया, ग्रामर का लेसन निकाला और पढ़ा। आई वॉज अमेज टू सी, और मैं बहुत ही आश्चर्यचकित था ये देख कर, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि ये सारी चीजें मेरे इतनी आसानी से समझ में आ गई थी। पहले तो इसको मुश्किल लग रहा था, कुछ भी नहीं आता था इसको, अब ग्रामर का लेसन जो इसको बहुत आसानी से समझ में आ गया था। ऑल ही सेड, जो कुछ उसने कहा, सीम्ड सो इजी आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, अब जो कुछ उन्होंने पढ़ाया वो सब कुछ मेरे को समझ में आया, वो इतना आसान लग रहा था, मेरे को लगा कि शायद मैंने कभी भी इसको इतना केयरफुली नहीं सुना है। एंड और दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, या फिर इन्होंने जितने पेशेंस से आज हमें समझाया है, इन्होंने कभी ऐसा नहीं समझाया। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड, और ऐसा लग रहा था कि जो बेचारा ये जो टीचर है वो क्या चाहता था, टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, कि जितना कुछ वो जानता है ना, वो सब कुछ हमें बता देना चाहता था। एंड टू पुट इट ऑल इन टू आवर हेड्स एट वन स्टॉक, और एक स्टॉक में ये सारी बातें क्या है, हमारे दिमाग के अंदर डाल देना चाहता था।
आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, हमारे पास एक राइटिंग का लेसन था, एंड राइटिंग का भी काम करवाना था टीचर ने। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन जो एम हेमल है वो हमारे लिए नई कॉपीज लेके आए थे। रिटर्न इन ए ब्यूटिफुल राउंड हैंड, और ब्यूटिफुल राउंड हैंड मैंने बहुत सुंदर राइटिंग में उन्होंने लिख रखा था क्या, फ्रेंड्स एलसे, फ्रेंड्स एलसे। दे लुक्ड, वो ऐसा लग रहा था लाइक लिटल फ्लैग्स, छोटे छोटे झंडे फ्लोटिंग एवरीवेयर, हर जगह लहरा रहे हैं, इन द स्कूल रूम, स्कूल रूम में हैंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। ऐसा लग रहा था, ये जो लिख रखा था ना, ऐसा लग रहा था ये जो झंडे हैं फ्रांस के जो झंडे हैं वो उनके बेंच के ऊपर लहरा रहे हो। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, तुम्हें देखना चाहिए था, काश कि तुम देख पाते कि लोग जो है कितना सेट टू वर्क, लोग सारे के सारे जो है वो काम में लगे हुए थे, सभी काम कर रहे थे, एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और वहां पे कितनी शांति थी, सभी लोग अपने काम में लगे थे, बहुत शांति थी। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स ओवर द पेपर, सिर्फ वहां पे एक ही साउंड थी, स्क्रैच की, पेन चलाते समय जो आवाज हो रही थी ना, सिर्फ पेन के चलने की जो स्क्रैच होती है ना, सिर्फ उसकी ही आवाज थी और कोई आवाज नहीं थी। वंस, एक बार, सम बीटल्स फ्लू इन, कुछ बीटल्स थी वो अंदर आ गई, बट नबड़ी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, जो सबसे थोड़ा सा भी ध्यान जो है किसी भी का उसकी तरफ नहीं गया, हु वॉक्ड राइट ऑन द क्रैशिंग देयर फिश हुक, जो अपने फिश बुक पे काम कर रहे थे एज इफ दैट वॉज फ्रेंच, जैसे कि वो फ्रेंच है। ऑन द रूफ, छत पर, द पिजन्स कुक्ड, पिजन जो है वो कुक किया, वेरी लो, बहुत ऊपर कबूतर बैठे थे, बहुत कम आवाज के साथ वो बोले, कुक किया उन्होंने। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप से सोचा, या मुझे ऐसा लगा, मैंने सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वो जर्मन वाले जो हैं, हमारे तो फ्रेंच छुड़वा देंगे वो, क्या इनको भी फ्रेंच में कुक करने के लिए बोलेंगे, इवन द पिजन्स, पिजन्स को भी। Whenever I looked up from my writing, जब भी मैंने अपनी राइटिंग से ऊपर देखा, I saw, जब मैं लिख रहा था, मैंने सामने देखा, मैंने देखा कि जो एम एम एल है सिटिंग मोशनलेस, वो क्या थे, मोशनलेस बैठे थे, हिल नहीं रहे थे, बिल्कुल शांत, इन ए चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, पहले एक चीज को देखते, देन एट द एट अनदर, फिर दूसरी को देखते, एज इफ, जैसे कि he wanted to fix in his mind, वो अपने माइंड में फिक्स कर लेना चाहते थे जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल। जो मिस्टर एम एल थे ना, वो कमरे में बैठे थे और वो कभी एक चीज को देख रहे, कभी दूसरी चीज को देख रहे, और वो शायद ऐसा चाह रहे थे कि सारी चीज को क्या करें, एक बार अपने दिमाग में बिठा लें। फैंसी, फॉर द 40 इयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, पिछले 40 साल से वो यहीं थे, इसी जगह पे, विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, जो उसका गार्डन है विंडो के बाहर था, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसकी जो क्लास है वो उसके सामने थी, जस्ट लाइक दैट, ओनली द डेस्क एंड द बेंचेस हैड बीन वॉन, जो डेस्क और बेंचेस थे वॉन स्मूथ, वो स्मूथ हो गए थे, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए थे, द वेल नट ट्रीज इन द गार्डन वर टालर, एंड द हॉप वाइन, जो हॉप वाइन की बेल थी, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडो टू द, वो छत तक चली गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, हाउ, कैसे, इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू, इसका जो दिल है टूट गया था, लीव इट ऑल, इसको छोड़ने में, पुअर मैन बेचारा, टू हियर हिज सिस्टर, वो अपनी सिस्टर को सुन रहा था मूविंग अबाउट इन द रूम, अब वो जो ऊपर कमरा था उसमें अपनी, उसकी बहन जो थी उसकी कुछ आवाज आ रही थी,
पैकिंग देयर ट्रंक्स, वो अपने ट्रंक्स को पैक कर रही थी, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्होंने अगले दिन क्या करना था, इस कंट्री को छोड़ के जाना था, क्योंकि वो तो फ्रेंच में चले जाएंगे, ये जर्मनी के अंडर में आ गया था। बट लेकिन ही हैड द क्रेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उसके अंदर क्रेज था कि हर लेसन को वो लास्ट तक सुने। आफ्टर द राइटिंग, राइटिंग के बाद वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, राइटिंग के बाद हमारा हिस्ट्री का लेसन हुआ। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर, उसके बाद जो बच्चे थे उन्होंने अपना गाया वो बा बी बी बो बू, मात्राएं सिखाई उन्होंने। डाउन देयर एट द ब्लैक ऑफ द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हर्सर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टल्स, जो ओल्ड हर्सर उसने क्या किया, अपने स्पेक्टल्स को पहना, चश्मों को पहना, एंड होल्डिंग द प्राइमर इन बोथ हैंड्स, अपने दोनों हाथों में अपना प्राइमर लेके, अपना कैदा लेके, स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और उन लेटर्स को बोला। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, और तुम देख सकते थे कि वो क्या कर रहा था, जो ओल्ड ऑफिसर था वो भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, उसकी जो आवाज है वो इमोशंस के कारण कांप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, और वो इतना फनी लग रहा था कि हम सभी क्या है लाफ हंसना चाहते थे और रोना चाहते थे, चिल्लाना चाहते थे। आह हाउ वेल आई रिमेम्बर इट, कि वो मेरे कितने अच्छे से याद है दैट लास्ट लेसन, वो आखिरी लेसन। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, अचानक जो 12 ये चर्च का जो क्लॉक था वहां पे 12 बजे 12 स्ट्राइक किया। देन द एंग्लियस, उसके बाद पूजा हुई। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियंस, उसके बाद जो पर्शियंस थे उनके बैंड आ गए। रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल, वो ड्रिल से लौट रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडो, वो हमारी खिड़की के नीचे आवाज सुनाई थी हमें उनकी। MML stood up, MML खड़े हो गए, very pale, बहुत पीले, इन ए चेयर, अपनी चेयर से खड़े हो गए MML। I never saw him look so tall, और मेरे को बहुत लंबे दिखाई दे रहे थे वो। My friends, he said, उन्होंने कहा कि मेरे friends, I but something choked him, लेकिन किसी चीज ने उसको रोक दिया, he could not go, वो अपनी बात नहीं कह सकी। Then he turned to the blackboard, फिर वो blackboard की तरफ मुड़े। Took a piece of chalk, उन्होंने एक चाक का टुकड़ा लिया। And bearing on with all his might, और अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करके, he wrote as large as he could, और जितना बड़ा वो लिख सकते थे। We were la friends, कि long live friends, ये फ्रेंच भाषा में लिखा उन्होंने। Then he stopped, फिर वो रुक गए। And leant his head against the wall, और फिर दीवार के साथ अपना सिर लगा लिया। And without a word, और बगैर किसी शब्द के, he made a gesture, उन्होंने एक इशारा किया to us with his hands, अपने हाथों के साथ इशारा किया। School is dismissed, स्कूल खत्म हो गया है, you may go, तुम जा सकते हो। आपका लेसन था ये, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाय।